नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे के खिलाफ दर्ज हुए दुष्कर्म के मामले में अब राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता एक के बाद एक हमलावर हैं और नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में एक दिवसीय बालोद प्रवास पर आए आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नेता प्रतिपक्ष के बेटे की गिरफ्तारी की मांग कर खुद को आदिवासी नेता बताते हुए घटना की निंदा की है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अगर शर्म है तो तत्काल नारायण चंदेल को पद से हटा देना चाहिए। ये नेता प्रतिपक्ष एक आदिवासी का अपमान किया है और ऐसा व्यक्ति को आदिवासी को कमजोर वर्ग देखकर बलात्कार का अपराध दर्ज हुआ है, इसलिए एक दिन भी नेता प्रतिपक्ष को पद में नहीं रहना चाहिए। जो उसका बेटा में अभी पुलिस जांच कर रही है, अगर प्रतिपक्ष पद में रहेगा जांच में आड़ा आएगा। कमजोर वर्ग को कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए मैं आदिवासी होने के कारण मैं इसका निंदा भी करता हूं। सरकार से, हमारा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं, तत्काल इसका गिरफ्तार हो। और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत शर्म है, ऐसा आदमी को तत्काल प्रतिपक्ष से इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देगा तो उसको हटा देना चाहिए।